फाइनली बॉलीवुड डिलीवर समथिंग विच वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मिमी। मूवी नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मूवी में मेन लीड में कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी और साई तमनकर है। मूवी को IMDB ने 8.3 की रेटिंग दी है। चलो शुक्र है बॉलीवुड की किसी मूवी को 8 से ऊपर की रेटिंग तो मिली, वरना मोस्टली बॉलीवुड मूवीज़ को 5 से 7 के बीच की रेटिंग ही मिल पाती है। वेल मूविंग टूवर्ड्स द मूवी, इस मूवी की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। स्टोरी कुछ यूं है कि अमेरिका से एक कपल जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा वो सरोगेसी के लिए इंडिया आते हैं और पंकज त्रिपाठी को ये सब बताते हैं। फिर पंकज त्रिपाठी कीर्ति सेनन को ये सब करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे बताता है कि उसको इस सब काम का बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। ये सुनकर कीर्ति सेनन रेडी हो जाती है। इसके बाद की मूवी काफ़ी फनी है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कपल बच्चा लेने से मना कर देता है और अचानक USA वापस चले जाते हैं। उसके बाद की मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल है। मूवी का एंड बहुत अच्छा है। पंकज त्रिपाठी एज यूजुअल अ ग्रेट एक्टर और इस बार भी उनका काम काबिले तारीफ है। इस मूवी का सरप्राइजिंग पैकेज रहा कीर्ति सेनन। जी हाँ, बरेली की बर्फी और लुका छुपी के बाद इसमें उन्होंने एक बार फिर बहुत अच्छा काम किया है। ये उनकी अब तक की बेस्ट मूवी है इन टर्म्स ऑफ हर एक्टिंग। कीर्ति सेनन की एक्टिंग इस मूवी में बहुत अच्छी है, फिर चाहे वो फर्स्ट हाफ के कॉमेडी सीन्स हों या सेकेंड हाफ के इमोशनल सीन्स हो, हर सीन में उन्होंने जान डालने की फुल कोशिश की है। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के साथ उनकी लुका छुपी के बाद ये दूसरी मूवी है। मूवी की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, इस मूवी को फालतू नहीं घसीटा गया। हर सीन का डायरेक्शन सीधा और स्ट्रेट टू द पॉइंट है। मूवी में कोई गंदा सीन या चीप डायलॉग भी नहीं है, तो आप आराम से ये मूवी अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। आजकल के दिनों में ये मूवी देखना एक बहुत अच्छा विकल्प है। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, गुड बाय।